हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ओवरऑल नॉलेज में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कैरेक्टर स्केच ऑफ ओलिवर लुटकिंस बताने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए, स्किप ना करें, दौड़ा कर ना देखें, अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आप आसानी से इस आंसर को एग्जाम में लिख सकते हैं और इससे जुड़े हुए दूसरे आंसर को भी लिख सकते हैं। कैरेक्टर स्केच पढ़ने के बाद क्या होता है कि पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है और कोई भी इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर इस तरह से है, ओलिवर लुटकिंस वाज अ विटी एंड कनिंग फेलो। ओलिवर लुटकिंस एक हाजिर जवाबी और मक्कार इंसान था। ही वाज अ डिजोनेस्ट पर्सन टू, वह एक बेईमान व्यक्ति भी था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड बोरोड मनी फ्रॉम मैनी पीपल, उन्होंने बहुत लोगों से उधार लिया था। बट नेवर पेड बैक, लेकिन किसी को भी वापस नहीं किया। वेन ही मेड द लॉयर हु वॉन्टेड टू सर्व अ समन्स ऑन हिम, और जब वह एक लॉयर से मिला जो कि एक समन सर्व करने के लिए वहाँ पर पहुँचा था न्यू म्यूलियन गांव। और समन क्या होता है कि कोर्ट का एक आदेश होता है और जिस व्यक्ति को कोर्ट में पेश होना होता है उसे बुलाया जाता है, किन्हीं को भेजा जाता है। तो यह काम जो है एक लॉयर को दिया गया। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ हैक ड्राइवर नेम्ड बिल, और उसने लॉयर को बताया कि वह एक हैक ड्राइवर है, एक तरह से टैक्सी ड्राइवर भी कह सकते हैं, हैक ड्राइवर और नेम्ड बिल, और उसने अपना नाम क्या बताया, बिल। He talked to him in a cheerful and friendly manner, और उसने उससे जो है बिल्कुल खुश मिजाजी रूप से और दोस्ताना व्यवहार किया ताकि वह उसके कॉन्फिडेंस को जीत सके। So that he could win his confidence, उसके विश्वास को जीत सके। He told him that he would find Lutkins for him, उसने कहा कि वह Lutkins को उसके लिए ढूंढ देगा। He won his confidence and tricked him, उसने उसके विश्वास को जीत लिया और उसे धोखा दिया। He drove the lawyer all over the village, उसने लॉयर को पूरे गांव घुमाया। He takes him so many places such as Gustav's barber shop, Gray's barber shop, pool room and his mother's farmyard, उसे बहुत जगह ले जाया गया, Gustav's barber shop ले जाया गया, फिर Gray's barber shop, फिर pool room और फिर उसके मदर की जो फार्म यार्ड था वहाँ पर ले जाया गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसे कहाँ कहाँ ले जाया गया, घुमाया गया। बट द लॉयर कुड नॉट सक्सीड इन फाइंडिंग लुटकिंस, लेकिन लॉयर सफल नहीं हुए, सक्सीड नहीं हुए लुटकिंस को ढूंढने में। लुटकिंस हैड परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, लुटकिंस के पास ह्यूमन नेचर की समझने की क्षमता थी, मानव स्वभाव को समझने की क्षमता थी कि कौन व्यक्ति किस तरह के हैं। ही वॉज ह्यूमरस एंड चार्मिंग, वह मजाकिया और चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति थे, यानी किन्हीं को भी अपने बातों में उलझा लेते थे और बहुत ही मीठी मीठी बातें करते थे। लॉयर को भी लगने लग गया था कि वह जो है घर बना ले उस गांव में, वो इतनी मीठी बातें करते थे और अपने गांव के लोगों के बारे में बताते थे। सो ही डिसीव्ड द लॉयर इजली, और उसने लॉयर को भी बहुत आसानी से धोखा दे दिया। वी डिड नॉट लाइक द कैरेक्टर ऑफ लुटकिंस बिकॉज ही वॉज डिजोनेस्ट एंड ट्रिकी, हम लोग उनके कैरेक्टर को पसंद नहीं करते हैं, उनके चरित्र को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वह एक बेईमान और ट्रिकी व्यक्ति थे, धोखा देने वाले व्यक्ति थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स, आप इस स्टोरी को भी जरूर पढ़ लें। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जो कि कैरेक्टर स्केच ऑफ लॉयर है, तो वो भी जरूर पढ़ लें और उसके बाद ये वीडियो भी देख लें, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब।